अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक में हो रहे हैं बात करें, एलएलबी पार्ट टू सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है प्रोबेशन एंड पैरोल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। प्रोबेशन एंड पैरोल बोथ यूज्ड इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग ऑफेंडर फ्रॉम अ प्रिजन ऑन अ जस्टिफाइड ग्राउंड्स। प्रोबेशन और पैरोल दोनों एक ऐसे टर्म्स हैं जो ऑफेंडर को किसी को भी रिलीज करना प्रिजन से तो उसके लिए जस्टिफाइड ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे प्रोबेशन और पैरोल। प्रोबेशन इज ग्रांटेड बाय द जज एट द ट्रायल। प्रोबेशन जज जो है ग्रांटेड मे बी इंस्टेड ऑफ जेल टाइम और कम्बिनेशन विद द सम टाइम। मतलब कम्बिनेशन विद सम टाइम भी हो सकता है और उसके बाद ये भी। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसे इसकी एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब एक किसी कोई फर्स्ट ऑफेंडर है, उसको उसका ट्रायल हुआ है, ठीक है, उसको जज को पता मतलब कि ये फर्स्ट ऑफेंडर था, इससे गलती हो गई है। जज अगर उससे कहे कि ठीक है जी, हम आपको प्रोबेशन पे हम लोग आपको रिलीज़ कर देते हैं कि आप मतलब दोबारा इस तरह का कोई नहीं करेंगे और आप एक सोसाइटी में आप रहेंगे, आपके अंडर सुपरविजन रहेंगे, ठीक है। वो इस तरह भी हो सकता है कि आप इस तरह करें 4 साल बाद आपको प्रोबेशन पे रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह प्रोबेशन होगी, आपको सज़ा नहीं होगी। पेरोल ऑन द अदर एज ए कंडीशनल अर्ली रिलीज, ठीक है, ये अर्ली रिलीज है कि जेल से पहले अपनी सजा पूरी होने से पहले जब जेल से रिलीज कर दिया जाए, पेरोल करते हैं। पेरोल जो है पेरोल सर्व्स इन कम्युनिटी अंडर सुपरविजन, होता है। उसके बाद मीनिंग हम लोग देखें तो प्रोबेशन का कोर्ट इम्पोज अ क्रिमिनल सेंटेंस दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। ये प्रोबेशन एक ऐसी क्रिमिनल सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट कंडीशन होता है रिलीजेस अ कन्विक्टेड पर्सन टू द कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम जेल के बजाय उसको सोसाइटी में अगर भेज दिया जाए, किसी कम्युनिटी में भेज दिया जाए। पेरोल द रिलीज ऑफ द प्रिजनर फ्रॉम द प्रिजनर प्रोवोल द फुल सेंटेंस हैज बीन सर्व्ड। फुल सेंटेंस सर्व से पहले अगर उसको कर दिया जाएगा तो फिर उसे हम लोग कहेंगे पेरोल। वैसे प्रोबेशन अगर हम देखें पॉइंट्स टू कंडीशन पेरोल, अगर पॉइंट्स हम क्या पॉइंट्स देखे जाएंगे, एज ऑफेंडर देखी जाएगी, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको देखा जाएगा, वुमेन है या मैन है, एटीट्यूड जो है क्या उसका रह चुका है, उसके बाद क्राइम क्या है, उसका क्राइम क्या, अगर उसने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया है तो उसका क्या है, उसने क्राइम विच इंटेंशन जिसमें इंटेंशन नहीं होगी, क्या उसने ऐसा क्राइम किया जिसमें इंटेंशन नहीं थी, डिप्राइव पर्सन था, मतलब अगर किसी बंदे ने जैसे रोटी चोरी की है तो वो डिप्राइव था, मतलब उसने 3 दिन से भूखा था, उसने इसलिए रोटी चोरी किया, तो अब ये भी देखी जाएगी। पास्ट ऑफ कन्विक्ट फैमिली, उसके जो फैमिली का बैकग्राउंड होगा वो भी देखा जाएगा। टू होम प्रोबेशन नहीं है, जिसको प्रोबेशन नहीं दी जा सके। फिक्स्ड सेंटेंस जिसकी होती है जैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह होती है, इसके लिए नहीं होता। उसके लिए प्रीवियस रिकॉर्ड अगर किसी का क्राइम का हो तो उसको भी नहीं दी जाती। कन्विक्ट जो है फॉल्स एविडेंस अगर ट्रायल के दौरान कोई देगा, उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंडर जो होगा उसको भी नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर जो होते हैं उनको भी नहीं होगी। पनिशमेंट इज डेथ, जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस होगी। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जिसने डकैती वगैरह रात को की होगी, इसको भी नहीं। अगर इसका अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कन्विक्ट मस्ट बी रिकवर इज एटीट्यूड, ठीक है, उसका ताकि एटीट्यूड रिकवर हो सके और वो कम्युनिटी में एज अ यूजुअल सिटीजन अपना किरदार अदा करे। उसके बाद हम लोग उसका दूसरा क्या, प्रमोटिंग सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ, इसका होता है टू स्टॉप कंसीडर यंग क्रिमिनल्स, एबिचुअल क्रिमिनल जो नए नए क्रिमिनल्स होते हैं उनका, ताकि एबिचुअल क्रिमिनल नहीं बनते। इसमें प्रोबेशन इज वन इज ग्रांटेड ना ऑल दैट, प्रोबेशन एक ही बार लाइफ में दी जा सकती है। पेरोल, अच्छा उसके बाद पेरोल पे आ जाएंगे। पेरोल इज अर्ली रिलीज ऑफ प्रिजनर हु हैज सर्व्ड पार्ट ऑफ हिज लाइफ प्रिजन सेंटेंस, ठीक है, किस कुछ हिस्सा उसने गुजार लिया उसको अर्ली लिया। प्रिजनर इज अलाउड टू रिटर्न टू कम्युनिटी अंडर सुपरविजन ऑफ पेरोल एजेंट। पेरोल एजेंट के वायलेशन ऑफ अ कंडीशन मस्ट रिजल्ट अर्ली प्रिजनर, अगर वो वायलेशन करेगा, उसको नहीं मानेगा चीजें अंडर सुपरविजन में, तो उसको दोबारा भी सजा हो सकती है। द पर्पज ऑफ पेरोल इज टू अलाउ द वेल बिहेव कन्विक्टेड, जो वेल बिहेव कन्विक्टेड लोग होते हैं फेंडर होंगे, टू स्पेंड रेस्ट ऑफ इंप्रिजनमेंट टाइम फॉर फैमिली, वो अपनी फैमिली के नजदीक ही अपना टाइम गुजार सकता है। उसके बाद हम लोग देखें पॉइंट्स कंसीडर टू द पेरोल। पेरोल के दौरान क्या वेदर कन्विक्ट हैड द प्रॉफिटेड द कस्टडीज, जब वो उस जेल में रहा उसने उसको जेल में प्रॉफिटेड काम किए, या उसने को जैसे मतलब किसी को मारा जा रहा तो नहीं, या किसी, या अगर उसने अच्छे काम किए जैसे लोगों को सिखाया या पढ़ाया या ऐसा अगर पढ़ा लिखा था, तो वेदर ही वॉज टू रिफॉर्म टू ही वॉज अनलाइक टू कमिट अनदर ऑफेंस, अगर वो इतना ये रिफॉर्म्ड हो चुका है कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा। बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर इन द प्रिजन बिहेवियर क्या था, वेदर इज सुटेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको कर दिया जाए कि वो किसी अपॉइंटमेंट के लिए कोई सुटेबल है, ही हैड टू होम टू अदर, अगर इसका कोई घर है जब जाने के लिए या नहीं, वेदर ही हैड टोल्ड द ट्रुथ ही वाज क्वेश्चन, जो पेल और बोर्ड ने उससे क्वेश्चन किया था उसके बारे में, वो क्या उसने सही जवाब दिया, उसके हाउ सीरियस इस क्राइम वाज, उसने कितना घिनौना क्राइम किया था, एंड हाउ इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कमिट द क्राइम, उसने किस सर्कमस्टेंसेस में क्राइम कमिट किया था। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, रिलीज द कन्विक्ट फ्रॉम द प्रिजन अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, पेरोल शुड बी गिवन मोर एंड मोर, ठीक है, मोर देना चाहिए ताकि लोग इस तरह, अगर कोई लोग अगर हैं कुछ वेल बिहेव लोग हैं तो अगर किसी गलती के शर्मिंदगी हैं तो उन्हें वापस हो जाए। कन्विक्ट शुड बी इन्वॉल्व इन वायलेशन के वायलेंस केस में शुड ना, अगर उसका वायलेंस केस में किसी में जब मार कुटाई वगैरह ऐसे किसी केस में ना हो। कन्विक्ट मस्ट बी नॉट बी कमिट एन न्यू क्राइम, कोई न्यू क्राइम ना हो। पेरोल बोर्ड डिसीजन शुड बी अप्रिशिएटेड, उनका डिसीजन का अप्रिशिएट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार में पेपर में अक्सर अलग अलग भी आता है, पेरोल प्रोबेशन अलग अलग भी 10-10 नंबर के आते हैं, और कभी 10-10 नंबर का दोनों को नोट दिया जाता है, या अगर कभी 20 नंबर का भी अक्सर एक बार आ चुका है, ठीक है, इस पर आप लोग देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।